यूरोप और सेंट्रल एशियाई देशों में खसरा यानी मीजल्स तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में खसरे के मामलों में 45 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिस पर संगठन ने चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी खसरे को लेकर हालात खराब हैं। यमन के बाद भारत दूसरा देश है जहां खसरे के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में आज बताएंगे कि खसरा क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दरअसल खसरा पैरामाइक्सो वायरस से होने वाली एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इससे पीड़ित शख्स के संपर्क में आने से हो सकती है। ये वायरस मुंह और नाक के जरिए शरीर में जाता है। सांस नली से होते हुए ये वायरस फेफड़े में पहुंचता है और आपके इम्यून सेल्स, माइक्रोफेज और डेंड्राइटिक को संक्रमित करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हम संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ये वायरस बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी शिकार बनाता है। खसरे के शुरुआती लक्षण बेहद कॉमन है। इसमें तेज बुखार होता है, नाक बहने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं या आंख से पानी आने लगता है, गालों पर सफेद धब्बे या शरीर पर लाल दाने होने लगते हैं। खसरे का वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से आपको कई गंभीर बीमारियां जैसे ब्रेन में सूजन, किडनी की समस्या, कान में संक्रमण, निमोनिया और डायरिया हो सकता है। साथ ही वायरस के कारण आंखों की रोशनी भी जा सकती है। WHO के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद खसरे के मामलों में तेजी आई है। इसके कई कारण हैं। दरअसल कोरोना काल में खसरे के टीकाकरण का कवरेज घट गया था, स्वास्थ्य सुविधाएं अस्त व्यस्त थी, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के दौरान कोरोना की चपेट में आने का रिस्क था, जिस वजह से कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने में लापरवाही की। ये तो हुई वायरस की बात, अब बताते हैं कि खसरा यानी मीजल्स का इलाज क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खसरे के वायरस को रोकने के लिए MMR यानी मीजल्स, मम्प, रुबेला का टीका दिया जाता है। बच्चे को MMR टीके की दो डोज दी जाती है, पहला जब बच्चा 12 से 15 महीने का होता है और दूसरा जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है। इम्यूनिटी कमजोर होने पर 12 से 15 साल के बच्चों को MMR का बूस्टर डोज लगता है। वैक्सीन के अलावा कई और बातों का भी ध्यान रखें ताकि बच्चा खसरा वायरस की चपेट में न आए। जैसे बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, 6 महीने बाद ही बच्चे को दूध, दलिया या खिचड़ी खिलाएं। अगर घर में किसी को मीजल्स है तो बच्चे को उससे दूर रखें, बच्चे का खान पान अच्छा रखें। इसके अलावा अगर बचपन में आपको मीजल्स का टीका नहीं लगा तो जल्द से जल्द MMR के दो टीके लगवाएं, ताकि इस वायरस की चपेट में आने से बच सकें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें।